नमस्कार दामोदर वैली कारपोरेशन की तरफ से लो ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार लीगल अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है जो कि लॉ ट्रेनिंग का जॉब पोस्ट है और इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाँ मांगी गई है ला क्या लास्ट डेट है इसकी सिलेक्शन कैसे होने वाली है और यहाँ पर जो है कितनी अप्लीकेशन चार्ज लगने वाली है इस सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं तो यदि आप इसके बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के लाइफ तक जरूर देखिएगा और इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करें और आपको इसके बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दें अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं लॉ ग्रेजुएट हैं या एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेलाइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो इस चैनल पर हम नए नए लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते रहते हैं चाहे वो अपॉर्चुनिटी किसी भी डिपार्टमेंट में निकल के आई हो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में निकल के आई हो किसी फॉर्म डिपार्टमेंट में निकल के आई हो या फिर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में वैकेंसी निकल के आई हो लीगल वैकेंसी हो तो उसके बारे में हम इस चैनल पर जरूर बताते हैं आइए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और आपको हम बताते हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी कि दामोदर घाटी निगम की तरफ से निकल कर आई लो ट्रेनिंग के जॉब पोस्ट के बारे में तो अभी आप आपके स्क्रीन पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं जो कि अठारह सात दो को जारी किया गया था इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट वैकेंसी निकल के आई है जिसकी सिलेक्शन यहाँ पे क्लैट 2024 के आधार पे होने वाली है एक बात आपको बता दें कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने क्लाय ट्वेंटी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था और वो इसके एग्जामिनेशन दिए थे क्योंकि आपके यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाली है वो क्लैट ट्वेंटी के मार्क्स के आधार पर ही होने वाले है यहाँ पे टोटल कितनी पोस्ट वैकेंसी है अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे लॉ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पे टोटल चार पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है जिसमें एक जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट है एक ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के लिए एक एससी के लिए और एक जो है ईडब्लू कैंडिडेट के, के लिए है सैलरी की बात करें इस पोस्ट के लिए तो सैलरी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है छप्पन हजार एक सौ से लेकर के एक लाख सतहत्तर हजार पांच सौ रूपए तक की आपको सैलरी यहाँ पे मिल सकती है अपर एज की बात करें इस पोस्ट के लिए तो आपको बता दें कि यहाँ पे ट्वेंटी नाइन ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है और जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि इसकी जो सिलेक्शन आपकी होने वाली है वो क्लैट यानी कि कम कमल लॉ एडमिशन टेस्ट ट्वेंटी के आधार पे होने वाली है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई किया गया था देखिए क्लाइट की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें दो टाइप की एग्जामिनेशन होती है एक जो है यू कोर्स के लिए होती है और दूसरा जो है पी कोर्स के लिए होती है यू कोर्स के लिए ऐसे विद्यार्थी अप्लाई करते हैं जो एल करना चाहते हैं लेकिन जो पी कोर्स होती है उसके लिए ऐसे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जो ऑलरेडी लॉ ग्रेजुएट हैं और वो एल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एल की बात की जा रही है यानी कि अगर आपने क्लाइट 2024 के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज यानी कि एल के लिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन आपकी होने वाली है वो क्लैट 2024 के मार्क्स के आधार पे होने वाली है और इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 40 परसेंट और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30 परसेंट की क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्लैट ट्वेंटी का एग्जामिनेशन दिया था और उसमें जो है अच्छे स्कोर किए थे तो वो सोच रहे होंगे कि मैं भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ तो ऐसी आप बिल्कुल गलती ना करें आपने अगर ट्वेंटी ट्वेंटी का एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्लास ट्वेंटी के एग्जामिनेशन और उसकी क्वालिफाइंग मार्क्स के अलावा आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लॉ की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए जो कि फुल टाइम बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए और आपको बता दें कि आपकी जो डिग्री है किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए जो बी से अप्रूव्ड हो उसके अलावा आपके एल में कम से कम सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल ओ बी सी नॉन क्रिमिलियर ए डब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो आपके कम से कम सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए एल में वहीं अगर आप एस सी या पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 60 परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए लॉ की डिग्री में तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे यदि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फी भी जमा करनी होगी जो कि यहाँ पे जनरल ओ बी सी नन क्रिमिलियर और ईडब्ल्यू एस कैंडिडेट के, के लिए तीन सौ रुपया रखी गई है जिसे कि आपको ऑनलाइन मोड से जमा करनी है वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी से तो आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन चार्जेज नहीं देनी है तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करने के लिए जाना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा जहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए आवेदन भी कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए आवेदन करने का लास्ट डेट यहाँ पर सात आठ दो रखी गई है यानी कि सात अगस्त दो तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएँ और ऐसी और वीडियोज पाने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जल्द मिलते हैं एक और नई लीगल अपॉर्चुनिटी के साथ तब तक के लिए चयें जय चेह भारत धन्यवाद